सब्सक्राइब कीजिए गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल को आपकी भर्ती की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए और उसके साथ साथ फिजिकल के वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में जो ITBP की जो रिक्वायरमेंट निकली थी कांस्टेबल ट्रेडमेंट्स के तहत, उन सभी की फिजिकल डेट आ चुकी है। अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाके आप वो लिंक पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ परेशानी हो रही है डाउनलोड करने में, या फिर आप रोल नंबर भूल चुके हैं, यूज़र ID भूल चुके हैं, तो आप हमें कमेंट करें तो आप सभी कमेंट हम रीड आउट करेंगे और आप सभी को जरूर रिप्लाई देंगे। तो आज हम बात करते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है ITBP ट्रेडमेंट्स की जो पोस्ट है उन सभी के लिए। तो फर्स्ट मैं आप सभी को बता दूं, जब आप भर्ती के लिए जाओगे तो वहाँ आपका पहले हाइट मेजरमेंट होगी। जैसे आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी फर्स्ट हाइट मेजरमेंट होती है, उसके बाद हम आगे की जो प्रक्रिया आपकी है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, मीन्स जिसमें कि आपको रनिंग करनी होती है। यह जो फिजिकल है वह आर्मी से पूरा ही डिफरेंट है। कई सारे बंदे अभी तक सोच रहे होंगे क्या सर आर्मी जैसा ही फिजिकल होगा। आर्मी में कैसा फिजिकल होता है कि आगे के बंदे 1600 मीटर में जो बंदे बैच बनता है, 400 बंदे का बैच बनता है, उसमें खाली 10-15 बंदे सिलेक्ट करते हैं, क्या वैसे होने वाला है? दोस्तों वैसे कुछ नहीं होने वाला। जो बंदे टाइम के अनुसार रनिंग कंप्लीट करेंगे उन सभी को सिलेक्ट किया जाएगा। आर्मी जैसा फिजिकल नहीं होने वाला, पुलिस जैसा फिजिकल नहीं होने वाला, BSF जैसा फिजिकल नहीं होने वाला, एकदम सिंपल सा आपका फिजिकल होने वाला है। तो आप सभी को हम बता दें किस प्रकार आपका फिजिकल होगा। फिजिकल हम जो है वो फेज 1 में आता है। फेज 1 में दो आपके टेस्ट होने वाले हैं, एक फिजिकल और उसके साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट। तो 50 मार्क्स आपको कैसे ग्रैब करने हैं वो भी आपको टिप्स हम देंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इवेंट्स जो है आपके लिए। 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है मेल के लिए 7:30 में आपको कंप्लीट करनी है, 7:30 में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए कोई टाइमिंग लागू नहीं है ये वाला 1.6 किलोमीटर का। और फीमेल को कितनी मीटर रनिंग करनी होगी, 800 मीटर रनिंग फीमेल को करनी होगी, जो कि 4:45 में आपको कंप्लीट करनी है, 4:45 में आपको कंप्लीट करनी है। और लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट है और आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर 3 मौके में भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, मीन्स 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। और फीमेल्स के लिए 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है तो भी आपको 3 ही मौके दिए जाएंगे। हाई जंप है 3.5 फीट आपको हाई जंप करनी होगी जो कि 3 मौके आपको दिए जाएंगे। और फीमेल्स के लिए 3 फीट आपको हाई जंप करनी होगी जो कि 3 चांस आपको दिए जाने वाले हैं। और आप सभी को बता दें इन सभी का किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं है, किसी भी प्रकार के मार्क्स नहीं है इन सभी के, सिर्फ आपको ये क्वालिफाइड करने हैं। अगर आप क्वालिफाइड कर देते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिजिकली आप फिट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने क्लियर कर दिया, आर्मी या फिर अन्य कोई डिफेंस की जो जॉब्स होते हैं उनके जैसे यहाँ पे फिजिकल आपका नहीं होने वाला। अगर आप टाइम के अनुसार रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो चेस्ट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट जो कि हम बोलते हैं, वो सब आपको मेजरमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट जो है आपका 50 मार्क्स का होता है। जैसे ही आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जैसे कि टेलर का आप देख सकते हैं क्या ट्रेड टेस्ट होता है, टेकिंग मेजरमेंट, कटिंग द स्टिचेज, यूनिफॉर्म वे विंटर, जो कि आपके कपड़े के रिलेटेड काम बताया जाएगा यहाँ पे, जो कि आपको करोगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स जो टास्क आपको दिए जाएंगे, जो एक्टिविटी आपको दिए जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं टेलर के लिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी की अलग अलग मार्क्स हैं। मीन्स जैसे कि मेजरमेंट, आप कपड़ों की मेजरमेंट लोगे, कटिंग करोगे, सिलाई मारोगे, यूनिफॉर्म जो विंटर जो की जो यूनिफॉर्म है, तो उनके आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। मीन्स जितने सफाई से आप अपना काम करोगे, जितनी क्लियरनेस आप दिखाओगे अपने जो भी एक्टिविटी में, उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलने वाला है। जैसे कि कॉन्स्टेबल जो कि आप साथ देख सकते हैं, इनके 10 मार्क्स दिए गए हैं, 50 मार्क्स यहाँ पे होने वाला है कॉबलर के लिए भी, और उसके साथ साथ वाटर करियर के लिए भी। जैसे कि आप वाटर करियर के लिए अधिकतम बंदों ने अप्लाई किया है क्योंकि जो वैकेंसीज थी काफ़ी ज़्यादा थी, 95 वैकेंसी समथिंग थी इसकी कुछ, तो जिसके चलते क्या है यहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फॉर्म्स आए हैं इनके पास। तो जैसे कि आप जो आटा गूंथला, जिसे गूंथना जिसे हम बोलते हैं, रोटी बनानी आपको होती है, जितनी अच्छी आप रोटी बनाओगे और अच्छी तरह आटा गूंथोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी आपको टास्क दिया जाता है, जो भी आपको एक्टिविटी दी जाती है, उसमें एकदम सफाई से काम करो, एकदम क्लियरनेस और एकदम हाइजीनिस का ध्यान रखो। और जब भी आप बात करोगे या फिर आप जो ग्रुप एक्टिविटी करोगे उस हिसाब में आपको क्या करना है, अपना एक अलग इंप्रेशन बनाना है।
मीन्स अलग आपको दिखना है, आपके बात करने का तरीका अलग होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपका अलग होना चाहिए, जिस पोज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस हिसाब की ड्रेसिंग सेंस आपकी होनी चाहिए। मीन्स आपका लुक भी मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, उस बेसिस पे आप पूरा अच्छी तरह 50 मार्क्स ग्रैप कर सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ इसका बेसिक सी जानकारी, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और सारी जो वैकेंसीज है काफ़ी कम वैकेंसीज है और फॉर्म काफ़ी ज़्यादा सबमिट हुए हैं, जिसके चलते क्या है कि कई सारे बंदे फिजिकल तो पास कर लेंगे पर रिटर्न में इनको दिक्कत आएगी। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी से रिटर्न की तैयारी करें, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, मीन्स 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स आपको मिलेगा रिटर्न की तैयारी के लिए, पर उतना समय नहीं मिलेगा जो कि आप एकदम वेल स्टडी आप कर सको, वेल एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन आप कर सको, क्योंकि क्या है कि कई सारे बंदे फिजिकल पास करेंगे तो हर कोई तैयारी के लिए लगा रहेगा, किसी के अच्छे परसेंटेज है किसी के बैड परसेंटेज है, तो अच्छे परसेंटेज वाले जल्दी तैयारी कर लेंगे तो आपको पता ही है, तो आप अभी से तैयारी करने लग जाएं अगर आपके परसेंटेज कम है, और फिजिकली चिंता ना करें, आप फिजिकली पास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद जय भारत।